नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो भी आप सभी। मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, कोस्ट गार्ड जो है समय समय पर, यानी साल में दो बार आप कहो डायरेक्टली, तो साल में दो बार जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी के पदों पर भर्ती आती है दोस्तों। लगभग लगभग हर बार जो है 250-300 जो है पद रहते हैं दोस्तों। सो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट आ रहा है कि सर, इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी जो होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, और इसकी जो कट ऑफ भाई वो प्रीवियस में कितनी गई हुई है, या फिर मतलब एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहती है वो कितनी रहती है सेफ स्कोर, अगर मैं आपको बताऊं तो। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया है भाई। सो जाहिर सी बात है भाई, वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो है उनको जानकारी पता होनी चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, जो कि एक 12th पास भर्ती है दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में। सो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा दोस्तों। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों अकेडमी आप सभी के लेकर आ चुकी है विक्रमादित्य डिटेल कोस्ट गार्ड का बैच। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको इस बैच में टीच किया जाएगा दोस्तों। अगर यहीं पर हम बात करें दोस्तों, तो आपको सिंपल कैटेगरी चूज कर लेनी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेन्योर चूज करना है एंड देन हैव अ रेफरल कोड में आपको एंटर कर देना है दोस्तों, मेरा रेफरल कोड इंडियन। इससे आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, रोजाना बिल्कुल फ्री चलती हैं भाई, दोपहर के 1 बजे, शाम को 7:15 पे और रात को 8:30 पे। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, साइन अप कीजिएगा एंड देन आपको जो है एक इनवाइट कोड आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको सिंपली एंटर कर देना है इंडियन। इससे आप मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर पाओगे दोस्तों, और लाइव चलती हैं दोस्तों, टाइमिंग मैंने आपको बता रखी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी के लिए आवेदन करना चाहते हो दोस्तों, अगर आपने 12वीं कर रखी है भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, और दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं कि आपके जो एज है भाई 18 से 22 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए, तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी का फॉर्म डाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक बात थी भाई। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहां पे कि क्या जो है इसकी प्रीवियस ईयर में कट ऑफ रही है दोस्तों, वो एक बार हम जो है यहां पे देख लेते हैं। सो यहां पर दोस्तों नाविक जो है जीडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नाविक जो जीडी होता है दोस्तों, नाविक जीडी, जीडी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों जनरल ड्यूटी, ठीक है। नाविक जीडी की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है भाई आपकी जनरल ड्यूटी, ठीक है। सो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, नाविक जनरल ड्यूटी जो होता है दोस्तों भाई, यहाँ पे जो नाविक जनरल ड्यूटी होता है दोस्तों, 12th पास होता है, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है दोस्तों, सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है भाई, देन उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आपको कॉल किया जाता है दोस्तों पीएफटी के लिए, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, ठीक है। देन अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट को भी पास कर लेते हो तो आपको जो है मतलब मेडिकल आपका जो है लिया जाता है दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन को भी अगर आप पास कर लेते हो दोस्तों, तो फिर आपका जो है यहाँ पे डीवी होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक फाइनल आप कह सकते हो। एंड देन यहीं पर आपके जो है क्या हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट अगर आपके सही पाए जाते हैं, मेडिकली आप फिट हो, फिजिकली आप फिट हो, एग्जाम में आपने अच्छा स्कोर किया है जो इन कोस्ट गार्ड चाह रहा था, तो आपकी ट्रेनिंग वहीं पर स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, INS चिल्का पर। बेसिक ट्रेनिंग के बाद देन आगे जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी होगी दोस्तों, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों। अब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें, तो इस वीडियो में आपको सीबीटी के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। जो इसका सीबीटी होता है भाई, ठीक है, वो जो है दो सेक्शन में डिवाइड होता है दोस्तों, ध्यान रखना भाई, ये सेक्शन है, सेक्शन एक होता है दोस्तों एक तो, और दूसरा होता है भाई आपका सेक्शन दो, ठीक है। दो सेक्शन में आपका जो है पेपर डिवाइड होता है दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम आपको डिवाइड होता है। तो जो सेक्शन एक होता है दोस्तों, ये आपका सेम डीबी वाला होता है भाई, ठीक है, जिसमें आपकी जीके पूछी जाती है दोस्तों 5 नंबर की, देन 10 नंबर की आपकी जनरल साइंस पूछी जाती है, देन उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका 20 नंबर का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जनरल मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो है यहाँ पे रीजनिंग पूछी जाती है भाई 10 नंबर की, ठीक है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपसे जो है यहाँ पे पूछी जाती है भाई 15 नंबर की इंग्लिश, ठीक है। ये जो है आपका सेक्शन एक रहता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम सेक्शन दो के बारे में बात करें, तो सेक्शन दो में आपकी जो है फिजिक्स रहेगी दोस्तों, नॉर्मल जो 11th 12th वाली फिजिक्स होती है दोस्तों, वो पूछी जाएगी, और दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, वो आपका रहेगा मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं इनको संज्ञा देना चाहता हूँ भाई 12th वाली, ठीक है, 11th वाली भी मान लेना दोस्तों, 11th एंड 12th, ठीक है, 11th एंड 12th वाली जो है आप इसको मान सकते हो दोस्तों, ठीक है, ठीक है भाई। सो ध्यान रखना दोस्तों भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपकी
मैथ रहेगा दोस्तों और फिजिक्स रहेगी भाई, ये आपकी ट्वेल्थ वाली रहेंगी, ठीक है। इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ वाली जो है आपकी मैथ एंड फिजिक्स यहाँ पे रहने वाली हैं। तो सेक्शन एक मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आप सभी को पता है कि जीके यहाँ पे 5 नंबर की रहती है, साइंस 10 नंबर की रहती है दोस्तों, मैथ आपका 20 मार्क्स का, रीजनिंग आपकी 10 नंबर की, और जो आपकी इंग्लिश है वो 15 नंबर की रहती है। तो ओवरऑल यहाँ पे 60 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 60 मार्क्स के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, जो एक क्वेश्चन होगा भाई ये आपका 1 मार्क के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। सो जहाँ पर भी मैं आपको मार्क कहूँ तो आप समझ लेना कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो 25 क्वेश्चन होते हैं भाई 25 नंबर के, और मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। सो यहाँ पे 50 नंबर का आपका जो है सेक्शन बी होगा, दोनों ही ऑनलाइन होंगे, सेम डे होंगे दोस्तों, सो डोंट वरी भाई, ठीक है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे टोटल आपका जो है 110 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों वो 110 नंबर का होगा भाई, ठीक है। 110 नंबर का आपका जो है एग्जाम होगा, और क्वेश्चन भी आप कह सकते हो कि 110 सी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। दो सेक्शन में डिवाइड होगा दोस्तों। और अगर हम बात करें भाई अब यहाँ पे कट ऑफ की कि प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई है, तो मैं मोस्ट रिसेंट की अगर बात करूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट की, ठीक है। डोंट वरी दोस्तों, यहाँ पे जो कट ऑफ होती है वो कैटेगरी वाइज लगती है भाई, क्योंकि पोस्ट भी कैटेगरी वाइज होती हैं। सो जैसे ओबीसी की अलग होती है, SC ST की अलग होती है, उसके बाद जो है AWS की अलग होती है दोस्तों। सो जनरल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जनरल की जो प्रीवियस कट ऑफ गई थी भाई, वो गई थी 75 out of 110 भाई, यानी 110 में से दोस्तों 75 नंबर जो है यहाँ पे कट ऑफ गई थी दोस्तों। कोस्ट गार्ड ने बता रखा है भी कि सेक्शन एक और सेक्शन दो में आपको कम से कम पासिंग मार्क्स चाहिए भाई, लेकिन पासिंग मार्क्स पे मेरे भाई कट ऑफ नहीं लगती है। यहाँ पे सेक्शनल पासिंग मार्क्स कोई भी नहीं है, लेकिन जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे हैं उस पर तो सिलेक्शन भूल जाओ दोस्तों। कट ऑफ भाई आप लगा सकते हो अनुमान की 75 गई है दोस्तों, ओबीसी की 71 थी और जो जनरल कैंडिडेट है उनकी 75 गई थी। तो आपका टारगेट जो होना चाहिए दोस्तों 80-90 के बीच होना चाहिए, तभी आप सेफ कह सकते हो। और क्या पता दोस्तों अब की बार जो कट ऑफ है वो 70 चली जाए, क्या पता अब की बार 85 भी जा सकती है। सो कट ऑफ जो है ईयर वाइज जो है फ्लक्चुएट करती रहती है, तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी को भाई सिलेक्शन प्रोसेस का पता लग गया है, एग्जाम पैटर्न का पता चल गया है, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी है। अब आपको कुछ इमेजिनेशन आ गई होगी दोस्तों कि आखिरकार किस प्रकार का एग्जाम में कितना में स्कोर करना है, कौन कौन से एग्जाम से मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार एग्जाम होता है। एक सेपरेट वीडियो में आपको इसके सिलेबस के बारे में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तैयारी करने से पहले कुछ बेसिक बातें होती हैं दोस्तों जो कि आपको पता होनी चाहिए भाई, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके बारे में यह बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं भाई यहीं पर दोस्तों, अगर मैं यहीं पर आपसे बात करता हूं भाई कि किस प्रकार आप इसकी तैयारी कर सकते हो, तो सेक्शन एक मैंने आपको बताया दोस्तों कि सेक्शन एक 60 नंबर का होता है, तो सेक्शन एक का कंप्लीट बैच कोर्स दोस्तों हमारी ऐप पर अवेलेबल है भाई, डिफेंस शिक्षा ऐप का नाम है दोस्तों, और इस ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली डिफेंस शिक्षा ऐप जो है लिख के डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। इस डिफेंस शिक्षा ऐप के अंदर दोस्तों कोस्ट गार्ड DBGD का सेक्शन एक का ध्यान रखना भाई, सेक्शन एक का जो है कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है भाई मात्र 399 रुपीज में, जहां पर आपको सारी व्हाइट बोर्ड वीडियो 4 अलग अलग टीचर्स के द्वारा दोस्तों 399 में आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। डेमो भी अवेलेबल है, एक बार डेमो देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो परचेज कीजिएगा, कोई भी बाउंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप मेरी जो है मेरे साथ अनअकैडमी पर ज्वाइन करना चाहते हो लाइव सेशंस को, जीके और साइंस की क्लास में जो है लेता हूं दोस्तों अनअकैडमी पर, तो इन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो भाई, मेरी प्रोफाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको सिंपल जो है इनवाइट कोड एंटर करना होगा दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको साइन अप करना है, और जब आप साइन अप करोगे तो आपसे एक इनवाइट कोड मांगेगा जिसमें आप इंडियन अगर एंटर कर देते हो दोस्तों, तो आपको जो है बिल्कुल इंस्टेंटली आप मेरी क्लासेस को अनलॉक कर पाओगे भाई अनअकैडमी पर। और डिफेंस शिक्षा ऐप पर दोस्तों 399 रुपये का सेक्शन एक का कोर्स अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप DB की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट है, अगर आप GD की तैयारी कर रहे हो तो सेक्शन एक का अवेलेबल है भाई, ठीक है। उससे आप जो है कवर कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आपको जो है मैक्सिमम स्कोर करना है, 60 में से 60 ले आओ भाई, चाहे उसमें आप जो है मतलब 30 भी लेके आ सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको दोनों ही सेक्शन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई डाउट अगर आपका रह गया हो इसके अलावा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो भाई। आई थिंक तो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, सिलेबस पर मैं अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं भाई आप सभी से अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।